गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सर्कल्स, हम उठे जुगाड़ किया अच्छा। है मजबूत सुबह सुबह नोथा किसने उठाया पता है ना, पता है मैं स्टोरी बता, पता है दुबई आ रहा है तो वो बेचारा एक जगह पे गया और वहाँ पे होटल रूम बुक की उसने, तो मतलब 4-5 हज़ार में 7 हज़ार, तो वहाँ पे गर्म पानी नहीं आ रहा, तो गर्म पानी नहीं आ रहा था, तो वो बेचारा उनको बोला गर्म पानी नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसको रिफंड किया, लेकिन वो रात भर वहीं पे रहा रहे। और सुबह यहाँ पे आया तो मैंने क्या बोला, हम झोल झपट करते हैं डायरेक्ट हमारे रूम में, आपको पता ही नहीं चलेगा पूरा प्लान प्रॉपर, क्योंकि हमको एक बंदे ने बताया था यहाँ पे, लेकिन उस बंदे ने गलती से चेक इन कराने का बोला, वो नहीं क्या वो सिक्योरिटी गार्ड रहते होंगे, तो उन्होंने उनका सामान रोक लिया और अंदर भेज दिया कि जाओ चेक इन कराओ फिर सामान लेके, तो हमको लगा सब खत्म सब, तो उन्होंने चलो जाके काम करते पूछते हैं एक्स्ट्रा बंदे के चार्जेस कितने, उनको पूछा तो बोले एक्स्ट्रा बंदा फ्री है, तुम लोग कर पाओगे जाओ, हम तो करेंगे, हम तो इंडियन, हम तो 5 कोटी कर रहे हैं, हम तो एक दिन में 5 बोलते तुम कर पाओगे, हम एक्स्ट्रा ये भी दे देंगे बोला, मैट्रेस भी दे देंगे, अंगावर रजाई दे देंगे ऐसा कुछ बोला उन्होंने। फिर मैं कितना खुश हुआ, दुबई जैसे जगह पे तीसरे को फ्री रहने को मिलता है, अपने इधर अलाउ नहीं है चीजें, तो उसको अभी भेजा है वो फ्रेश बीच होगा, और अभी हम नाश्ता हमें फ्री है, लेकिन उसके 70 दिरहम पर डे देने पड़ेंगे, वो पर डे नहीं है, 70 × 22 करो काम 25 हो जाता है, 22 या 24 जो भी है, और हम यहाँ से हमारे कुछ प्लान है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। पत्तू श्री आ गए हैं और थगेश भाई और पतू भाई मिलके वो क्या बुर्ज खलीफा बुक कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने हाँ कितना पेमेंट हुआ तीनों का, 16,000 बस 16,000 दोस्तों बुर्ज खलीफा जाने का, वो भी टॉप नहीं है, हाँ 125 से फ्लोर पे जाने का 16,000 चार्जेस लगा हुआ है, इतनी महंगाई है मार्केट में। अब यहाँ से बुर्ज खलीफा कितना, 20 किलोमीटर था ना, 5 किलोमीटर था, 600 रुपए, हाँ 600 रुपए ही है, 480 ठीक है, लगा नहीं अभी, ये तुम्हारे में ले अभी एक्वेरियम, हाँ ये एक्वेरियम है दुबई, एक्वेरियम है अंडर वाटर जू आज हम करने वाले, मतलब आज का खर्चा 16-18 हज़ार तो हो ही गए, यहाँ पे बहुत सस्ता एईडी है, मतलब दिरहम सस्ता है, जैसे कि ये लोग बोलते चलो 18 दिरहम दो आपको देते, मतलब आपने इधर के 18 रुपए फीलिंग वाली, लेकिन वो 18 दिरहम जब हम कैलकुलेट करते तो पता चलता है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, तो टेंशन आता है, चालायचा है ना ये मजे मजे, बोट है बोट मध्ये असं है, ओ ट्रांसपेरेंट बोट, इसमें भी घर चला जाएंगे ना अपना। इधर एक और चीज तुमको दिखाता हूं, बहुत यूनिक है मेरी फेवरेट, यहाँ पे करवट है दोस्तों, इतनी देर तक हम यहाँ पे हग रहे थे, सॉरी शीशी कर रहे थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ से चालू करने का, यहाँ पे हीट होती है कोल्ड होती है, वो फुसफुसी बाहर आती है, कागज बिगड़ आता है, एकदम हाईफाई कमोड है, इज्जत है कमोड को, इज्जत बच्ची के दिल में, बस यही बताना था। होटल से जस्ट बाहर पड़े कल की तरह और फिर से एक दर्शन हुआ, मैं दर्शन आपको दिखाना चाहूंगा, रोल्स रॉयल्स, BMW, पोर्श, और ये क्या है ये तो मुझे पता भी नहीं है, वो पीछे क्या जा रहा है, वो देखो किया की लग्जरियस कार, मतलब नया जगह से रे, मतलब इच्छा संपत्ति चली जा गई सी, सफारी बहुत नॉर्मल लगने लगी रे, सफारी SUV, XUV 700, पर टैक्सी भी बहुत लग्जरियस है, किया की कोई लग्जरियस कार है, और मैं बैठा देखो कहाँ पे हूँ, यहाँ पे स्टीयरिंग होता है ना, ये देखो यहाँ पे स्टीयरिंग, और सर देखो कितना चिल होके बैठे रिलैक्स, अरे प्यारी सी स्माइल भी था, और पीछे अपने लोग, अभी हम जा रहे हैं दुबई फ्रेम, हाँ मतलब वो ओल्ड दुबई और न्यू दुबई की बॉर्डर, मजा आएगा अच्छा यही फ्रेम है, ओके दोस्तों मैंने बोला ये गोल्डन बिल्डिंग देखो, वो पास आने के बाद फ्रेम हो गई उसकी, पीछे से बिल्डिंग लग रही थी, ओ ये वाओ व्हाट अ लवली व्यू, यहाँ पे भी टिकट चेकिंग होगी और हम ये देख ब्लॉगर ब्लॉगर या ये देखो हमारा प्यारा प्यारा फ्रेम दुबई फ्रेम, दुबई फ्रेम, हाँ मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, ये है दुबई फ्रेम, अभी पास से जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली अंदर क्या है बिल्डिंग, ये देखो हाय हाय म्यूजियम जैसा है, ये देखो पूरा ओल्ड वाइब है, वाओ पूरा ओल्ड वाइब है, दरवाजे पुराने जमाने के टेलर अंकल, टेलर अंकल मुझे पोलखा शिव होने का है, टेलर अंकल इग्नोर कर रहे टेलर अंकल, शिकवण चल रही है स्कूल है, स्कूल शिकवण चल रही है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अंकल दो लुंगी चाहिए मुझे, अंकल इग्नोर मत कीजिए लुंगी दीजिए, तो तू अंकल लुंगी नहीं दे रहे, टॉवेल है अंकल टॉवेल, अहिला ये कौन सा एरिया है, अच्छा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दिस इज म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ब्रो,
वाव क्या है यार, प्रोजेक्टर मारे कहाँ कहाँ से बे हैं? ये देखो इंटीरियर डिस्को 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 इंडिया। तू पूछ रहा है प्रोजेक्टर यहाँ पे जो है हाई क्वालिटी को मंगवाए कहाँ से? मैंने इसको राज बता दिया कि दुबई के जो अल मोहम्मद शेख है पूर्वी 1972 साल में उन्होंने उल्लासनगर के गजानन मार्केट से सारा प्रोजेक्टर का माल उठाया है। मतलब विचार करो इधर तक पहुंचे इंडियंस की बाबा, और अभी उधर से इंपोर्ट होता है सारा प्रोजेक्टर कपल से। कितना प्यारा व्यू है देखो, है कि नहीं? और ये देखो अभी रात, रिस्की रिस्की लाइफ एक नंबर ना। अपन अगर दोनों इसमें उड़ी मारे जोर से और सुसड गए तो पैराशूट खोल सकते हैं क्या? कौन सा पैराशूट? आपको फर्क दिखाई कि नहीं मुझे बताना। वो देखो यहाँ के वो बादशाह जो है उसका ये भी बनाया हुआ, लेकिन आगे देखो ये देखो व्यू देखो, हाय हाय मैनहट्टन शहर लग रहा है। मैनहट्टन हो गया, बाहर आ गए। ये देखो सोने को हम हाथ लगा के चल रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड। मजाक है, है? यहाँ ऐसा हमारे मुंबई में लगाओ, हिम्मत है तो देखते हैं 15 दिन में क्या हासिल होगा उस सोने का। महिला अचानक से म्यूजिक बजने लगा दोस्तों, और कारण सा म्यूजिक के हिसाब से डोलने लगा है। देखो अगो भाई प्रपंच, वाह बुआ वाह, प्रपंच प्रपंच वापरे मालवणी गाने गाईस, मालवणी गाने नाचा। चलो हम अगले टैक्सी में बैठे, और ये गियर सिस्टम देखो, ये देखो अंकल भी देखो, ये भी एकदम चीले, पीछे की लोग भी देखो, कोई टेंशन नहीं है, ये सब दूर दूर देखो, वाक्य देखना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल, और उससे पहले जा रहे हैं एक म्यूजियम, पेंगुइन एक्वेरियम, सॉरी पेंगुइन देखने के लिए। ऑन द वे हम अभी फ्यूचर म्यूजियम को क्रॉस कर रहे हैं। देखो क्या लग रहा है यार, ये देखो तिकड़े लोग भी सही से उड़ी मारता है दोस्तों काच करके। तो कौन सी गाड़ियां दिखाओ कौन सी नहीं, ऐसा हो रहा है। मतलब नजर ही मर रही है रे, नजर ही मर रही है। सब तरीके की गाड़ियां अवेलेबल है, और लेक्सस तो यहाँ पे इतनी है जैसे इंडिया में मारुति सुजुकी की गाड़ियां रहती है, ऐसी परिस्थिति है। हर जगह पे गाड़ियां, अभी पीछे से रोल्स रॉयस आ रही है हमारे। फाइनली हम दुबई मॉल में आ चुके हैं मेरी पॉपे। तो मुंबई का पैलेडियम मॉल नहीं है क्या? सेम वैसा ही है, बट एक ब्रांडेड है, लुई वितो ये वो वैसा वैसा। लुई वितो का बेल्ट देखा, अटैक आया प्राइस देख, शूज भी देखने आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे खरीदारी हुई तो साल्टी रे साल्टी हो जाएगी, लेकिन अभी खाने का खाना है, क्योंकि पत्ते को भूख लगी, बेचारा सोया भी नहीं है कल से, तो खाना है, और फिर वो हम वहाँ पे जाने वाले पेंगुइन देखने, ऐसा प्लान है। देखते दुबई मॉल में KFC है और पिज्जा हट है, और अल कुछ है, अल अल बकरी वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, अल बकरी। अरे बकरी बकरी नहीं खाने का, वेज है। मैं भी वेज ना, मतलब पनीर खाता है पनीर। Fan following, बहुत बड़ी लाइन क्रॉस करके अब हम कोई तो अल बेक में आए दुबई मॉल में, जहाँ पे खाना फेमस है। पतू के पहचान का कोई बंदा है, वो उसको बोला है कि यहाँ पे खाना फेमस है, तो अभी हम यहाँ पे खाना आए। बहुत लजीज खाना होगा, लजीज, लेकिन कहीं पे भी जाओ आपको गर्दी का सामना करना ही पड़ता है यहाँ पे, और पैर क्या भाई भुगा हो रहा है दोस्तों। एक्वेरियम देखो, शार्क देखो कितने बड़े बड़े, बाबा काम 25 है मेरी पुमपुम। ये देखो देखने के लिए गर्दी देखो, वन साइडेड गर्दी, हर जगह लाइन है भाई। अभी हम यहाँ पे घुसे और टिकट निकाल के अंदर जाने वाले, और शायद वो केज में जाने की इनकी इच्छा है। अगर ये जा रहे हैं दगड़ पीछ बगा गाइस, दगड़ पीछ, बाप रे बतिया तुझे एवढा रे, तो फाइल रे तो फाइल उभे नाही आपल्याला। वो देखो तैराक तैर रहा है, मजा आएगा रे, और अंदर जाने। अच्छा ऊपर पूछना पड़ेगा, ठीक है
वो अंदर जो तैरने का विषय ना ऊपर जाके पूछना पड़ेगा, अगर वो तो ट्राई करते हैं। भवनो देखो ना ए, कैसा लग रहा है, अच्छा गावत पुरचुंडी, वाव यार वाव, सीरियसली वाव। यहाँ पे प्रकाश देखो कितना, यहाँ पे फोटो क्या आएगी, अपन फोटो निकालते आश्चर्य मेंटल फोटो। इतनी फोटो निकाली है, एक भी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, लाइट की वजह से हो रहा है, लेकिन वीडियो देखो कैसे निकली है और एक पूरा व्यू देखो ऐसे इतने अंदर से फिश पास से जा रही है, सब फील आ रहा है, एकदम डिटेल में दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और पानी में जाने का प्लान है बट मुझे नहीं लगता वो बुकिंग वुकिंग करनी पड़ती होगी। मजा, अब हम आए हैं पेंगुइन देखने, पेंगुइन बोलते हैं पेंगुइन, बाहर से ना आजी है ना पैसा लग रहा था कि जैसे कि वो अंदर बैठे फिश टैंक के दीवार। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. अच्छी साइटिंग है, कुछ सारे प्रेम। क्या अलाउ नहीं है? शूटिंग अलाउ है ना फोटो नहीं पर? तो यहाँ पे फोटो अलाउ नहीं है, शूटिंग अलाउ है। ये देखो। What? Wow. Fishes का zoo. किसे देख रहे थे कुखार? ये तो कसल वक्त हुआ ना काचे ने उड़ी टाकेल, ये अपने हर एक के घर पे होते वो मोटे डोके वाला, ये मुंगूस के भाई होते हैं, उनको कहते हैं झापरावादी सुसर्स। अबे ये क्या कर रहा है? ये मुंगूस का भाई है चिंगूस। हाँ ये झापरावादी सुसर और ये मुंगूस के भाई, सुसर का भाई चिंगूस। ये देखो मुंगूस का भाई चिंगूस, ये है पोपट। विटू विटू इज्जत दे भाई, तो आपल्याला सवय लागली आहे ए ए भाई, थैंक यू। ये कौन सा अजीब सा प्राणी है बे? देखो भाई ये पत्तिया, ये क्या है रे? अपने यहाँ पे पाल होती है, ये लगता है पाल एक्सट्रीम लेवल पे खाती है तो वैसा होती है, चेतन जैसी पाल। बाबू हवक मासोली, ये मेरा हाथ है और ये फिश है, देखो कितना सा दिख रहा है, कितना बड़ा फिश है। नाम लिखने चाहिए थे, अभी नाम ही नहीं लिख रहे, फालतू गिरी। रैट्स, छोटी मच्छी, अपन नहीं क्या वो ओहोल में बहती है, ओहोल में बहती है और उसको वो भुजिंग करके लोग खाते हैं, वो छोटा छोटा, उसका ये बड़ा भाई, उसको खाने का नहीं होता है, ये गलत है खाना, मच्छी अच्छी नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन रहो, वेजिटेरियन लाइफ जियो मेरी जान। और ये हमारे गप्पी मासे, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, अपनी इधर गप्पी मासे बोलते हैं इनको, गप्पी ये अपने पास बहुत है मच्छी। और थोड़ा सा चेहरा कोल्ले जैसा, टोटल प्रॉपर कोल्ला फिश है, लाम सड़क है बाबा। ये देखो झुरल फिश, ये थोड़ी झुरल की प्रजाति अपग्रेड होके झुरल फिश हुई है, देखो वाव व्हाट अ लवली। इसको कहते हैं दोस्तों पाइनएप्पल फिश, येलो कलर की पाइनएप्पल फिश। हेलो पाइनएप्पल फिश, खबर 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 खबर, दहशत आए। इसको बोल सकते हो आप नाकोड़ा, नाकोड़ा फिश, नाक देखो कितना बड़ा है, नाकोड़ा फिश जा रहा है नाकोड़ा। पेंगुइन देखने जा रहे हैं और शायद हमें पेंगुइन छूने का मौका मिलने वाला नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसको पेंगुइन का मटन खाना, अरे हाँ ये स्टोरी डालने वाला था कि पेंगुइन का मटन इसको खाना था, मुझे देखना था इसको खाते हुए, तो नहीं खाना भाई, पेंगुइन का मटन खाता है, ऐसे कैसे लोग है ई। यहाँ पे डीप डाइविंग का केज है और ये हम आ गए पेंगुइन जी के पास, ये देखो है कि नहीं पेंगुइन मामू, ओ ये ये पेंगुइन देखे बदक है रे, बगड़ा सर का दिखते, तो पेंगुइन है बदक है, ये लोग उधर से हाथ भी लगा रहे हैं, बंद के लग रहे हैं, हमें भी हाथ लगाना है भैया। इधर ये इधर एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है वो, देखो ना कितने क्यूट है, अभी वो दरवाजा खोल रहे हैं ना तो सब लोग जाके खड़े हो गए, देखो देखो वो देखो। अंकल हमारे पत्तू को पेंगुइन का मटन खाना है, एक किलो दो ना। आई गो पत्या,
एवढा क्यूट पेंग्विन ना तू खाणार बा तुला लाज वाटलो या लाज साले पेंग्विन खातो कुत्रिया बर्गर के साथ खाना है ना तेरे को और थगेश बेचारा वेजिटेरियन है उसको नॉनवेज खिला रहा है पहला पेंग्विन ये सब क्या देखना पड़ रहा है एकत्र पकडले तो एका भचक्यात घास होईल रे कितने क्यूट दिख रहे देखो ना जेलीफिश और ये जेलीफिश के मम्मीज ये बेटे ये पिता और वो माता एक आत्या मावशी काका आजोबा वहिनी ताई भाचा मेवणा मेवण्यांचे पाहुणे और ये सबके बेटे कितने क्यूट दिख रहे देखो वाह ए वेली क्यूट क्यूट जेलीफिश यूगी एक डेंजर लेवल की जेलीफिश जो एक क्रैब की तरह लगती है ये मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखी आप भी देखना चाहोगे ये देखो क्रैब लग रहा है क्रैब और वो देखो आळस दे रहा है जेलीफिश बाप रे कस वनस्पति वाटते रे भैया जीवंत खाच काम नहीं है रे इज्जत है ये देखो ऊपर देखो पूरा क्लियरिटी देखो क्लियरिटी ये जेलीफिश है वनस्पतियां लग रही है लेकिन ये जेलीफिश है गाइस यहाँ पे एक सौदा थोड़े से के लिए रह गया ये पत्या कमीना जो है ये थगेश को वो नीचे केज में जाना है मतलब पानी में वो केज लेके जाते हैं और तुम ऐसे मछलियों को आसपास देख सकते हो तो पत्या बोल रहा है अगर मैं तेरे साथ आया तो फिर तुझे मेरे साथ डाइविंग करने आना पड़ेगा थगेश बोला नहीं चाहिए निकलते यहाँ से लेकिन डाइविंग नहीं करना चाहता है कहते जिंदगी दो पल की मेहमान है दोस्त अभी तो शुरुआत की है जीने की अरे डर मेहमान रह जाएगी हाँ ना यार डर लगता है बाबा जिंदगी से फ्रॉग वो देखो वो फ्रॉग है बाप रे फ्रॉग स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड बहुत झोपलेत रिलैक्स पतू ते तुमच्या दोघांसारखी सवय होते ना अंगावर झोपलेत एकमेकांच्या चेतन आणि पतू आहेत गाई दोनों इनको ही मांडी बिंडी चोड़े गएंगे किसे को ना कैसा रेतीला बनायला है बाबा नाक किया है ना मेरी कुकी ये देखो फॉल्स कोबरा ये गलत सांप है दोस्त ये देखो गलत सांप है हेलो कोबरा जी कोबरा असं वाटतं नैराश्य ते फुल डिप्रेशन मध्ये जगाची इच्छा नाही दगड़ी फ्रॉग देखो दोस्तों दगड़ फ्रॉग ये इसको पुराने जमाने में पत्थर के लिए यूज किया करते थे लोगों को मारने के लिए वटवागुल चाइनीज वटवागुल लग रहा है डोले एकदम बारीक यहाँ पे गिरगिट है रंग बदलू गिरगिट वाओ आपको क्लैरिटी कैसे दिख रही है मुझे पता नहीं बट ये है बिच्छू फैट टेल स्कॉर्पियन इसकी टेल बड़ी हो जाती है डेंजर ना और ये शॉर्ट फिंगर्ड गिज को इसकी फिंगर्स बहुत छोटी होती है लेकिन कितना दिख ही नहीं रहा है वो और कितना नाजुक है वो ये देखो दिख रहा है अभी हमने जो पेंगुइन की ये की वाटर के नीचे से जाने का लेकिन ये सब हमें पता नहीं था ये सब या फिर हम फोकट में ही घुस गए अंदर ऐसा भी हो सकता है लेकिन मजा बहुत आ रहा है इतने फिश की प्रजातियां इतने प्राणी छोटे मोटे बाप रे डेंजर काम है बहुत बढ़िया लग रहा है आगे आगे और है अब आएगा रियल मजा बड़े क्रोकोडाइल को मिलेंगे ये देखो 112 मिलियन ईयर्स पहले से ये देखो अभी आप कुछ बहुत ही खतरनाक चीज देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अबे इतना बड़ा क्रोकोडाइल अगर मैं नीचे गिर गया तो 2 मिनट मैक्स मैं पच जाऊंगा सीरियस लेवल पे हाँ पत्या तेरे को 1.5 मिनट लगेगा कितनी साइज देखो क्रोकोडाइल की साइज देखो यहाँ से अगर गिर गया अगर तेरे को 2.5 मिनट लगेंगे पचने के लिए मुझे 2 और इसको 1.5 और ये देखो थोड़ा सा उससे कम है लेकिन ये भी बहुत बड़ी साइज का है 2 क्रोकोडाइल तो यहीं पे है वो ज्यादा हिल भी नहीं रहे उनको इंटरेस्ट भी नहीं है इनका खाना कितना होता होगा पता ही नहीं ये लो अभी क्लोजअप लुक तुम्हारे लिए देख रहे हो साइज देख रहे हो ये पूछ है ये पूछा नहीं है पूछाड़ा है पूछाड़ा ए बाबा तो फिश नहीं है अपन नको करू त्याचा
फिश बोल इसे क्रोकोडाइल इट्स नॉट फिश इज्जत ही नहीं तेरी बाप रे तो तो आपल्याला रिस्पॉन्ड पण नाही येणार किंग कसं रिस्पॉन्ड करत नाही तसा आहे तो पलक का नाही झपकत पलक झपक ना क्रोकोडाइल पलक झपक ना ब्रो ये तो वयस्कर असेल ना बोलते ना लक दोस्तों मुझे इसको छूने का मौका मिल रहा है यार अरे बापरे पत्तू का कॉन्फिडेंस तो देखो क्रोको के बाजू में बैठा है पत्तू कैसा लग रहा है क्रोको के बाजू में बैठ के और ये क्रोको के ऊपर बैठा है छोटू छोटू बहुत ही पावरफुल है क्रोको ये एक्चुअली पालियो क्रोको ये किसी को हार्म नहीं करता ये देखो कुछ भी नहीं कर रहा है ये दांत को मैं हाथ लगा रहा हूँ गुदगुली 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 कुछ नहीं कर रहा है बहुत अच्छा क्रोको है क्रोको बांधिल किया ब्रो और ये मुझे लगता है सी हॉर्स है सी हॉर्स वही लग रहा है बाप रे लुक देखो सी हॉर्स का 3D लुक 3D लुक सी हॉर्स इन 3D ये कुछ वो मतलब अजीबोगरीब फिश ही है वो ये देखो कैसे कमल की तरह अजीबोगरीब फिश लग रही है और फिश कमल वाली फिश ने अंडे भी दिए और ये रखवाली कर रहे हैं वो अंडों की ठीक से रखवाली करवे नहीं तो थप्पड़ लगेंगे दो मेरी जान ये देखो आउडी फिश को बोला जाता है आउडी फिश आउडी हाँ क्या क्या नाम है उसका ब्रो आउडी 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 यस यस यू आर राइट बच्चे को बिगाड़ दिया मैंने अब तुम देख पा रहे हो ये जेली फिश है ये जेली फिश है यहाँ पे उनको आइसोलेटेड किया गया है क्योंकि उनको कोरोना हुआ है इसलिए दो भाई बहन जेली फिश है और वो उनका बच्चा ये देखो इनका छोटा बच्चा ये जेलू जेलूड़ी तीनों को कोरोना हुआ है और बाकी जो नॉर्मल लोग है वो यहाँ पे ये देखो ये प्रॉपर है इनको कुछ नहीं हुआ है रिलैक्स लाइफ जी रहे ब्रो एकदम चिल लाइफ फाइनली क्रोकोडाइल मूव कर रहा है मतलब ये बड़ा वाला नहीं दूसरा वाला वो देखो जा रहा है देखो वो जा रहा है देखो जा रहा है चल चल के वाट लग रही है और ये पत्ते हमें और चला रहा है हमने वायरलेस चार्जर लिया कोई तो बेल्किन कंपनी का है 5000 mAh का जो हमें इंडिया के रेट के हिसाब से 1200 से कम में मिला हमने ले लिया टाइम पास के लिए क्योंकि मोबाइल से शूट करते तो ज़रूरत पड़ती है तो ये थगेश ने भी एक लिया मैंने भी एक लिया पैरों में ताकत नहीं है लेकिन इस बंदे ने नींद भी नहीं लिया फिर भी इसको कहाँ से पावर आई है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एप्पल प्रोडक्ट के लिए लोग बहुत क्रेजी है बहुत ही क्रेजी है ये देखो ना सही है थोड़ा मैं रुक जाता तो मैं भी डिस्काउंट में ले लेता हूँ 15-10-12 हज़ार का डिस्काउंट ये है गाइस जब दुबई चालू हुआ था ना तब दुबई पे एक बड़े जानवर ने हमला किया था और वो जानवर को उन लोगों ने पकड़ के पाला उसको सुधारा पाला पाचोड़ा खाना सिखाया लेकिन वो मातरा होने के बाद जब वारा ना तो फिर उन्होंने इसकी स्मृति यहाँ पे बना दी इसके इसका नाम है जमूरा जमूरा ड्रैगन लेकिन जमूरा सोरस है वो दुबई वाले लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों बहुत प्यारे अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं प्राडा का गॉगल का शॉप है अभी हम रेबेन के पास है और प्राडा का यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी अबे मॉल है इस मॉल को तुम लोग कोई गांव घोषित कर दो है कोई छोटा सा कस्बा घोषित कर दो भिंडी पैरों का भुगा हो जाएगा कितना चलेगा इंसान इतना बड़ा मॉल होता है क्या इतनी दूर दूर दुकानें हैं जाते जाते ये देखो क्या दिख गया दुबई आइस रिंक 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 सब लोग एकदम फरफट रहे रे ये क्या बर्फ है क्या ये देखो वन साइड प्रो लेवल लोग हैं सबको जम रहा है वो देख कैसा फास्ट गया अच्छा गाओ स्पीड देखो ब्लैक बॉय का ये भाई पढ़ली रे पढ़ली विषय चलने अरे 100 वेळा पडू आणि 200 वेळा अडकू वो तो उलटा जा रहा है रे वो तो उलटा जा रहा है पत्या उदे अच्छी प्रो है तो दिवस रात्र खेळता है ना काम आहेत का आपल्याला करिअर घडवायचं आहे सर पिछले आधे घंटे से हम होटल पे जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रहे हैं और टैक्सी ढूंढना बहुत कठिन है यहाँ पे मतलब ऑनलाइन बुक भी किया है एक को बुक किया तो हम यहाँ पे पहुँचने से पहले वो गुजर गया मतलब पास हो गया यहाँ से तो उसने कैंसिल की तो 15 दिरहम चार्जेस लगे मतलब अराउंड 350 रुपीज़ और अब जो विषय ऐसा है कि फिर से टैक्सी आ रही है और वो जो टैक्सी है वो हम वेट ही कर रहे हैं कि वो ना कहीं से निकल जाए तो मैं यहाँ पे हूँ वो थकेश वहाँ पे ऐसे पूरा रोड ब्लॉक करके रखे देखते हैं टैक्सी भी नहीं होनी चाहिए नंबर देख रहा हूँ कंटिन्यू हम चल चल के मर रहे हैं लेकिन मेरा मूड बन गया मैंने फरारी देख ली मेरी लाइफ सफल हो गई है चलो लेट्स अब मैं फरारी और रोल्स रॉयस भी देख ली है
अब मैं चलने के काबिल हूँ. पत्या चल कुठे जायचं आहे तिकडे. आता मूड बनलाय. माय लव, माय प्रेम, माय जाने तमन्ना. इतने क्यूट है देखो. इसको कहते हैं कैडिलैक. ये मुफासा के पास है, मेरे पास नहीं है. लेकिन एक न एक दिन ये गाड़ी हम जरूर लेंगे. इज्जत तो है. अभी तो मूड इंटू 100 हो गया. बस मूड पे मूड बन रहा है. अब तो डिफेंडर दिख गई. आई जी कटकट भवानो. मैं GTA खेलते आई छप्पन मस्कर ने करते. मैं GTA खेलते. ये देखो डिफेंडर. मैं गाड़ियों का ना क्रेजी हो गया. गाड़ी को पीछे लेके भाई ये गाड़िया. मैं गाड़ियों के लिए दुबई आया करूंगा बस गाड़िया देखने के लिए. मूड अच्छा पॉजिटिव हो जाता है. इंकरेजमेंट मिलती है. आईचा गावत बहुत महंगी गाड़ियां लूंगा. मचाऊंगा रे मचाऊंगा. दोस्तों इंसान कितना आलसी हो सकता है आज ये मैंने अपने आप में और खगेश जी में देखा. पर तू कंटिन्यू पिछले एक डेढ़ घंटे से ट्राई कर रहा है मॉल से बाहर जाके टैक्सी मिलाने का. वो बेचारा कैब के ऐप में देख रहा है मैप. इतनी बाइक परिस्थिति है लेकिन हम बिल्कुल चेक नहीं कर रहे. मैं अपना कर रहा हूँ, खगेश अपना कर रहा है. खगेश बोल रहा है चलो लुई वितो में जाए क्या, चलो इधर जाए क्या, उधर जाए क्या. कैपेसिटी शरीर की नहीं है फिर भी. लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं ले रहा है कि हम घर कैसे जा पाए. आलसी इंटू 100 हो रहा है. गाइस आधी स्टक झाले. मुझे रडने को आ रहा है अभी. मेरे से नहीं हो रहा है. और हर जगह पे इतना वेटिंग और अभी P1 पे बुला रहा है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मला रडा लेते. मला हॉटेल मला दुबई मन नको. मला काय नको भावा. मी पतू वर भरोसा ठेवला. तिकडे तुम्ही पश्चातापत रडतोय. और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अपने दम पे ही करो जो करना है. किसी के कंधे पे हाथ रख के मत जा. बहुत डिप्रेशन आ जाता है. हाँ बर्बाद बर्बाद व्यक्ति है ये. बर्बाद व्यक्ति साला. इसने हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी. इसको मारने की इच्छा हो रही. मारने की कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है. कुछ आइडिया. आई अभी एलिवेटर. बाप रे. इतना घूमने के बाद हमें एंट्रेंस तो मिला बट ये टैक्सी के लिए ट्रैफिक है. उठ चुके हम. फ्रेश होके अब सीधा बुर्ज खलीफा देखने के लिए जा रहे हैं. यस. और ये सब हुआ है थगेश भाई की वजह से क्योंकि उन्होंने बुकिंग की. क्योंकि मैं नल्ला हूँ. मैंने कुछ भी नहीं बुक किया था. अगर मैं ऐसे बैठा रहता तो कुछ भी ना होता. जैसे तैसे करके बुर्ज खलीफा ही अभी फिलहाल. और बाकी जो भी है सब बुक्ड है. हमने बहुत सपने देखे स्काई डाइविंग या फिर वो और एक था ऐसा विमान GTA की तरह से उड़ता है हवा में. वो भी बुक्ड है. बहुत सारी चीजें बुक्ड है. वैसे डेजर्ट सफारी हमने बुक कर लिया है कल के लिए. और अभी ये बुर्ज खलीफा होने के बाद देखते हैं क्या करना है. अभी कुछ भी प्लान नहीं है. ये है लैम्बो जो कॉमन हो चुकी है इस इलाके में. हम देख देख के कंटाल गए. अभी नई गाड़ियां दिखाओ प्लीज. हम फिर से दुबई मॉल में आ गए दोस्तों. बाप रे. कल 8-10 किलोमीटर चलने के बाद हम फिर से दुबई मॉल में आए और यही से एंट्री है. ये सुन के ही दहशत हुई. लेकिन कोई बात नहीं, आज हम पावरफुल है. कल चार लोग अपने को मेरे को पूछ के गए बुर्ज खलीफा एंट्री इधर ही से ना. मैं बोला हाँ इधर ही से. हमको मेरे को ही याद नहीं. अभी तो मस्त मजा आएगा. थोड़ी भूख सी लगी है ना. अभी गुड़गुड़ हो रही है. टाइम नहीं लेकिन अपने. लेकिन अभी टाइम नहीं. अभी हम पहले बुर्ज खलीफा दर्शन. होटल में पेट दर्द है ना. जिम जी मोका नहीं रहे. बुबा रेस्ट है. यहाँ पे जितने भी लोग घूम रहे हैं ना मॉल में, सबके जो बच्चे ना छोटे मोटे वो हाथगाड़ी में घुमाते हैं कंटिन्यू. जैसे कि आप मेरे देखो ये पीछे देख सकते हो या फिर वो मैं आपको ये दिखाता हूँ. ये यहाँ पे. अरे अपने इंडिया में बच्चे 5-5, 10-10 साल के होते फिर भी कड़े पे लेके घूमते हैं. लेकिन इनको हाथगाड़ी चाहिए, कंफर्ट चाहिए. यहाँ पे डबल डेकर हाथगाड़ी भी अवेलेबल है. दो बच्चे हो आपके तो डबल हाथगाड़ी. ट्रिपल डेकर नहीं देखी. हाँ अभी फाइनली हम बुर्ज खलीफा के एंट्रेंस में तो जा रहे हैं और गर्दी यहाँ पे बहुत है. ये देखो दोस्तों जैसे कैमरा ऑन किया ये भी दिखा. ये बुर्ज खलीफा का विषय. और ये आई थिंक एट द टॉप बुर्ज खलीफा लिखा है. देखो एट द टॉप. यहाँ से भी अंदर जाएंगे और टिकट दिखा के घुसेंगे. ये एंट्री का माहौल है. अब देख सकते हो उस पर भी एनिमेटेड है. इसे देखोगे तो एनिमेटेड चीज है. वहां से एंट्री हुई. अब हम जा रहे हैं अंदर पद्धतशीर रीत्या. अभी हम ये देखो दोस्तों लिफ्ट है. आई डोंट थिंक मतलब पता नहीं मुझे एक्चुअली कि ये लिफ्ट से हम डायरेक्ट ऊपर जाने वाले कि नहीं. लेकिन इतने लोग यहाँ पे खड़े और पहली बार जिंदगी में इतने 106
124 पे रुका, अभी अपना कौन सा फ्लोर है मुझे पता नहीं। अभी यह हो गया, अभी यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, एक फ्लोर ऊपर क्या है देखते हैं। बुर्ज खलीफा अच्छा तो है पर ऐसा मोकड़ा वातावरण नहीं मिलता कि तुम बहुत ज़्यादा देख सकते हो। व्यू अच्छा आ रहा है पर सेफ्टी को नज़र रखते हुए चीज़ें हैं यहाँ पर। और अभी हम ऊपर देखते हैं क्या व्यू। ये एक फ्लोर ऊपर आ गए हम, यहाँ से ये व्यू है पैलेस। और यहाँ पे देखो ये इधर मैं बीच में खड़ा होकर फोटो भी निकालना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा नाश्ते पानी नहीं रहे, यहाँ पे तो खरीदी बिक्री का वही है। वो सुविनियर कुछ लेके जाना है आपको तो आप लेके जा सकते हो। लेटर बॉक्स भी दिया है कुछ तो यहाँ पे। ओह थ्रीडी व्यू, कांच फूटने का इफेक्ट है यहाँ पे। कांच फूटने का तुझे आ रहा है क्या इफेक्ट पता है? चल 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 आ रहा है, कांच फूट रहेगा, एक ही जगह पे फूट रहेगा। फीलिंग आ रहा है क्या? फीलिंग लोनली फीलिंग नहीं आ रहा है। मुझे एक चीज़ पता चली, मुझे पहले डर था ऊंचाई का फोबिया है, क्या करें, मुझे सिर्फ हो ही नहीं रहा है। फिर स्काई डाइविंग कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम है कि स्काई डाइविंग अवेलेबल नहीं। बेचारे ने बुक करने का ट्राई किया पर नहीं हुआ। अगली बार दुबई में स्काई डाइविंग करनी पड़ेगी मेरी खूबी। फिर भी बता नहीं सकते अगर सेटिंग कहीं से लगी तो। वाह ये कैसे बना, किस तरीके से वो सब प्रॉपर लिया है, ये आप स्लो मोशन में देखना है, पॉज करके देखना दोस्तों। या फिर मैं कहीं से जा रहा हूँ। तबाही ना मेरी कोपे, ये सबसे ये फाइनल रिजल्ट बुर्ज खलीफा लो। अच्छा लगा, मजा आया, मजा आया। पैसा वसूल 5,000 पर पर्सन। हाँ थोड़ा सा मतलब ठीक है, अगर 1500 लेकिन और फिर उसको और था, और था मजा आता। और थोड़ा लेकिन कल जो हमने मजा किया ना वो इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ठीक है। 360 है एक्सपीरियंस, अच्छा है, एक बार लेने जैसा है। ऊपर से मतलब भाई और पूरा पूरा दुबई दिखता है, वो अबू धाबी भी दिख रहा था दूर से। विचार करो मतलब एंजॉयमेंट तो है। थाने भी दिखा मेरे को, मुझे भी मेरा थाने का खाड़ी दिखा है। अहमदाबाद दिखा, अहमदाबाद। अभी हमने खाना खाया उसके बाद हम ये कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आंबे संतर सब है, सब कुछ अवेलेबल। काका अपने को कुछ देंगे बादशाह जी से। कब से फोटो सेशन चल रहा था इसलिए शूट नहीं किया, अभी शूट कर रहा हूँ। ये पीछे का इलाका दिख रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है। और अभी पीछे फाउंटेन शो चालू होने वाला है और मैं अभी हूँ यहाँ पे बुर्ज खलीफा के सामने। और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है भाई, ऐसा फील आता है न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन, जो हमने मूवीज में देखा है या फिर कार्टून्स में देखा है या फिर एनिमेटेड सीरीज में देखा है, बैटमैन गेम में देखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या क्या बोलूँ, कैसे अपन नए हैं तो अपने लिए बहुत यूनिक और लग्जरियस फील है। लेकिन हाँ अगर आप दुबई आ रहे हो, फीलिंग यहाँ पे खरीदनी पड़ती है, बहुत खर्चा है हर एक चीज़ को लेके, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फाइनली आज पतूदम बॉय ने मैप डाउनलोड कर लिया है, अच्छे से सब कुछ है, मैनेज भी अच्छा हो रहा है। एक थगेश का दोस्त है जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स के, यहाँ पे मुझे इंस्टा 360 मिल सकता है, वो भी डिस्काउंट में, तो अभी हम ढूंढेंगे वो। और यहाँ से हम मीना बाजार जाने का प्लान कर, और मैं अभी से थक गया हूँ, देखते क्या करने का। मिल रहे थे कुछ बेबी डॉल, पेट देखो। 6 से 7 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर घूम के हो गए लेकिन इंस्टा 360 कहीं पे नहीं मिल रहा। एक जगह पे 10 पीस थे कल, जो हमें कल नहीं मिला, तो वो बोल रहे हैं इंस्टा 360 आके आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, लोग इतना लेके जा रहे हैं क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है तो लोगों को पसंद आ रहा है वो। तो हम अभी भी ढूंढ ही रहे हैं, स्टोर काफ़ी बढ़िया है वैसे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक
चीजों के शौकीन हो तो आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे मुंबई दर्शन की बस होती है वो देखो दुबई दर्शन की बस। आपको पता है मॉल में अलाउ नहीं है शूटिंग डायरेक्टली, हमको एक बंदे ने रोका और बोला फाइन पड़ सकता है, ये वो केस हो सकती है, वो थगेश नड़ा उनसे और वो बोला कि उसका बात करने का तरीका गलत है वगैरह, तो उन्होंने प्यार से बोला कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि कुछ लोग कैमरा में आते हैं डायरेक्टली, उनको शायद पसंद नहीं होता है तो फिर अच्छा नहीं होता। यहाँ का थोड़ा सा तौर तरीका अलग है, इंडिया में ये नॉर्मल है बट यहाँ पे बाकी लोगों को कैमरा में आना अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीज़ हमको अच्छी लगी मतलब समझी, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ विषय लिया नहीं, मैंने रोका वहाँ पे शूटिंग, लेकिन मैंने वहाँ से एक टॉपी स्पीकर का ये दिया है, ये कंबर पट्टा, मतलब उसको सामान रखने के लिए सारी बैटरीज एंड ऑल। अब हम काफ़ी दूर आ गए बुर्ज खलीफा से और यहाँ से प्रॉपर व्यू आ रहा है, देख सकते हो है कि नहीं, गाड़ियाँ देखो कितनी फास्ट जा रही है, राप रूप राप रूप राप रूप राप। हम यहाँ पे कैब का इंतजार कर रहे हैं, जब तक कैब नहीं आते हम खलीफा को देखते रहेंगे। क्या अच्छा आलस 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 पण तो जाड्या भरड्या आहे हो ना, रट्ट्या आहे आणि हा बिट्ट्या आहे। आई शपथ दोस्तों वो जो लाइन्स दिख रही है आपको, शायद मुझे नहीं पता कि दिख रही है कि नहीं, बट वो आसमान में ना ढक को छू रही है वो लाइटिंग, इतनी पावरफुल लाइटिंग है वो बुर्ज की, नेक्स्ट लेवल यार, ऐसा मतलब मन करता है देखते ही रहे। अभी एक्चुअली हम यहाँ से चल के आए, बहुत टैक्सी का हमेशा की तरह इश्यू है हमको, लेकिन मन नहीं भर रहा है इसको देख के, देखते ही रहे ऐसा लग रहा है कंटिन्यू, हर तरफ वाशर बबनीस बिल्डिंग है, देखो ना काय रे मुझे काय है यार शपथ। मुंबई में ऐसा होने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो तीन महीने। ए हमने एक टैक्सी बुक किया और टैक्सी कौन सी है पता है क्या, मर्सिडीज बेंज 15 लोग का गाड़ी है, ये बड़े लोग 15 लोग बैठ सकते हैं, 15 लोग का गाड़ी, और कुछ जुगाड़ करके हमने गाड़ी रोक दी और उसने रोक दी, अभी हम जाके फटाफट बैठ रहे बच्चा। बैठने के बाद ही सुकून लग रहा है, और ये जनाब हमें जो छोड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान से, इज्जत दो इनको, और हमेशा की तरह 15 सीटर कार है, 15 सीटर, पूरा खानदान चलेगा इसमें। अपने ही होटल में ये जन्नत है और मुझे पता ही नहीं था, देखो जरा कितना प्यारा स्विमिंग पूल है, और क्या ही बोलूँ यार, लेकिन अभी कल तो शाम को हमें निकलना है और कल सुबह डिजर्ट सफर है, अभी देखते हैं कैसा क्या है, दोपहर को अगर जल्दी आए तो ये कर सकते हैं।